हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को व्यर्थ किए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का यह लेक्चर 9 है और इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर किए थे, जैसे कि व्हाट इज फोर्स, इफेक्ट ऑफ फोर्स एंड फोर्स क्या 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 गुण होता है, वो सारे के बारे में हम लोग कवर कर चुके थे। तो दोस्तों, आज की इस लेक्चर में हम लोग व्हाट इज सिस्टम ऑफ फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, हाउ मेनी टाइप ऑफ सिस्टम ऑफ फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ फोर्स एंड रिजल्टेंट फोर्स, ये सारे के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का यह वीडियो लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही बेसिक होने वाला है। सो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को पूरी अंत तक देखिए ताकि आपको अच्छे से ये सारे का सारा टॉपिक समझ में आ जाए। तो चलिए अब हम लोग पहले सीखते हैं कि सिस्टम ऑफ फोर्स है क्या। तो व्हेन टू और मोर देन टू फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी देन दीज फोर्सेस आर नोन एज सिस्टम ऑफ फोर्सेस। कहने का यह मतलब है दोस्तों कि जब दो या दो से अधिक फोर्स किसी बॉडी पर एक्ट कर रहा हो तो उसी को हम लोग सिस्टम ऑफ फोर्सेस कहते हैं। जब किसी पिंड पर दो या दो से अधिक बल कार्य करते हैं तो इन बलों को बलों की प्रणाली के रूप में जाना जाता है। कहने का मतलब बेसिकली सेम है दोस्तों कि जब दो या दो से अधिक फोर्स किसी बॉडी पर एक्ट कर रहा हो या किसी बॉडी पर काम कर रहा हो तो उसी को दोस्तों हम लोग सिस्टम ऑफ फोर्सेस के नाम से जानते हैं। तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। अब बात रहा दोस्तों कि सिस्टम ऑफ फोर्सेस कितने तरह का होता है। तो जनरली मैं बता दूं दोस्तों कि सिस्टम ऑफ फोर्सेस आपको बेसिकली 7 तरह का होता है, जिसमें पहला होता है कोलिनियर सिस्टम ऑफ फोर्सेस, दूसरा होता है कोप्लेनर सिस्टम ऑफ फोर्सेस, तीसरा होता है कॉनकरेंट सिस्टम ऑफ फोर्सेस, चौथा होता है कोप्लेनर कॉनकरेंट सिस्टम ऑफ फोर्सेस, पांचवा होता है कोप्लेनर नॉन कॉनकरेंट सिस्टम ऑफ फोर्सेस, छठा होता है नॉन कोप्लेनर कॉनकरेंट सिस्टम ऑफ फोर्सेस, सातवां होता है नॉन कोप्लेनर एंड नॉन कॉनकरेंट सिस्टम ऑफ फोर्सेस। तो ये सारा का सारा दोस्तों टाइप है सिस्टम ऑफ फोर्सेस का, और इसको दोस्तों हम लोग एक एक करके सारा का सारा क्लियर करेंगे। तो दोस्तों पहले हम लोग पहला पढ़ते हैं कि व्हाट इज कोलिनियर सिस्टम ऑफ फोर्सेस। तो कहने का मतलब बेसिकली क्या है कोलिनियर सिस्टम ऑफ फोर्सेस क्या है। तो द फोर्स हुज लाइन ऑफ एक्शन लाइज ऑन सेम लाइन आर नोन एज कोलिनियर सिस्टम ऑफ फोर्सेस। कहने का बेसिकली यह मतलब है दोस्तों कि वह फोर्स जिसका लाइन ऑफ एक्शन लाइज कर रहा हो सेम लाइन पर, उसी को दोस्तों हम लोग कहते हैं कोलिनियर सिस्टम ऑफ फोर्सेस। बेसिकली आप फिगर में देखिए दोस्तों, इसमें एक फोर्स वन है, फोर्स टू है, फोर्स थ्री है, फोर्स फोर है एंड फोर्स फाइव है। ये सारा का सारा फोर्स दोस्तों एक सिंगल लाइन जो कि ये वाला लाइन है, इस लाइन पर एक्ट कर रहा है। तो हम बेसिकली कह सकते हैं कि ये सारा का सारा फोर्स किस अवस्था में है, तो कोलिनियर की अवस्था में है। तो बेसिकली आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों कि कोलिनियर सिस्टम ऑफ फोर्सेस क्या होता है। मैं एक बार और बता दूं कि कोलिनियर ऑफ सिस्टम ऑफ फोर्स उसे कहते हैं जब सारा का सारा फोर्स एक ही लाइन पर एक्ट कर रहा हो, तो उसी को दोस्तों हम लोग कोलिनियर सिस्टम ऑफ फोर्स कहते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं कोप्लेनर सिस्टम ऑफ फोर्स किसे कहते हैं। तो द फोर्स हुज लाइन ऑफ एक्शन लाइज ऑन द सेम प्लेन आर नोन एज कोप्लेनर सिस्टम ऑफ फोर्सेस। कहने का बेसिकली यह मतलब है दोस्तों कि वह फोर्स जिसका लाइन ऑफ एक्शन सेम प्लेन पर एक्ट कर रहा हो, उसी को दोस्तों हम लोग कोप्लेनर सिस्टम ऑफ फोर्सेस कहते हैं। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं दोस्तों, ये फोर्स वन है, फोर्स टू है, फोर्स थ्री है, फोर्स फोर है एंड फोर्स फाइव है। ये सारा का सारा फोर्स दोस्तों एक सेम प्लेन पर एक्ट कर रहा है, तो इसी को दोस्तों हम लोग बोलते हैं कोप्लेनर सिस्टम ऑफ फोर्सेस। यहाँ पर लिखा हुआ भी है दोस्तों, ऑल फोर्सेस आर सेम प्लेन, ये सारा का सारा फोर्स सेम प्लेन में है। तो बेसिकली कोप्लेनर सिस्टम ऑफ फोर्सेस इसी को कहते हैं। अब बात रहा दोस्तों कॉनकरेंट सिस्टम ऑफ फोर्सेस किसे कहते हैं। तो द फोर्स हुज लाइन ऑफ एक्शन मीट एट वन पॉइंट आर नोन एज कॉनकरेंट सिस्टम ऑफ फोर्सेस। कहने का बेसिकली यह मतलब है दोस्तों कि वह फोर्स जिसका लाइन ऑफ एक्शन एक ही पॉइंट पर मीट कर रहा हो, मैंने एक ही पॉइंट पर मिल रहा हो, तो उसी को दोस्तों हम लोग कॉनकरेंट सिस्टम ऑफ फोर्सेस कहते हैं। जैसे ही दोस्तों देख सकते हैं फिगर में कि एफ वन है, एफ टू है, एफ थ्री है, एफ फोर है एंड एफ फाइव है। ये सारा का सारा फोर्स दोस्तों एक पॉइंट ये वाले पॉइंट पर मिल रहा है। भले ही दोस्तों यह फोर्स का डायरेक्शन अलग अलग है, लेकिन एक ही पॉइंट पर होकर गुजर रहे हैं ये सारा का सारा फोर्स। तो इसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं कॉनकरेंट सिस्टम ऑफ फोर्सेस। कॉनकरेंट सिस्टम ऑफ फोर्सेस में जनरली यही होता है कि इसमें सारा का सारा फोर्स एक पॉइंट पर मिलता है।
अब दोस्तों हम लोग कोप्लेनर कॉन्करेंट सिस्टम ऑफ फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। कोप्लेनर करने का बेसिकली क्या मतलब दोस्तों, कि सेम प्लेन पर सारा का सारा फोर्स लाइज करे, सेम प्लेन पर। और कॉन्करेंट करने का क्या मतलब था दोस्तों, कि सारा का सारा जो फोर्स है वो मीट करे, मीट एट सेम पॉइंट। तो दोस्तों कोप्लेनर करने का मतलब यह था कि सेम प्लेन पर होना चाहिए सारा का सारा फोर्सेस, और कॉन्करेंट करने का मतलब यह था कि मीट एट सेम पॉइंट। तो अब दोस्तों ये दोनों को अगर मिला दे, कोप्लेनर कॉन्करेंट सिस्टम ऑफ फोर्स किसे कहते हैं, तो इन दोनों को भी मिला दीजिए तो उसी का डेफिनेशन निकल आएगा दोस्तों, कोप्लेनर और कॉन्करेंट सिस्टम ऑफ फोर्स क्या होता है। तो चलिए हम आपको एक बार डेफिनेशन भी बता देते हैं। द फोर्स विच मीट एट वन पॉइंट एंड देयर लाइन ऑफ एक्शन ऑन द सेम प्लेन आर नोन एज कोप्लेनर कॉन्करेंट सिस्टम ऑफ फोर्सेस। कहने का बेसिकली यह मतलब है दोस्तों कि वह फोर्स जिसका लाइन ऑफ एक्शन सेम प्लेन पर भी हो और उसका जो सारा का सारा फोर्स है वो एक पॉइंट पर मीट करे, मतलब एक पॉइंट पर मिले, उसी को दोस्तों हम लोग कोप्लेनर कॉन्करेंट सिस्टम ऑफ फोर्सेस कहते हैं। जैसा कि फिगर में आप लोग दोस्तों देख सकते हैं, ये सारा का सारा फोर्स देखिए दोस्तों सेम प्लेन पर भी है और एक पॉइंट पर मिल भी रहा है, तो इसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं कोप्लेनर कॉन्करेंट सिस्टम ऑफ फोर्सेस। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट सिस्टम ऑफ फोर्सेस किसे कहते हैं। तो द फोर्स विच डू नॉट मीट एट वन पॉइंट बट देयर लाइन ऑफ एक्शन लाइज ऑन द सेम प्लेन आर नॉन एज कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट सिस्टम ऑफ फोर्सेस। कहने का बेसिकली यह मतलब है दोस्तों कि कोप्लेनर, कोप्लेनर कहने का मतलब था कि सेम प्लेन पर लाइज होना चाहिए, और नॉन कॉन्करेंट कहने का मतलब है दोस्तों कि उसका सारा का सारा फोर्स दोस्तों एक पॉइंट पर मिलना नहीं चाहिए। तो इस डिफिनेशन का सिंपली यह कहने का मतलब है कि वह फोर्स जो किसी एक बिंदु पर न मिले और उसका लाइन ऑफ एक्शन सारा का सारा जो फोर्स है, फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन सेम प्लेन पर रहना चाहिए, उसी को दोस्तों हम लोग बोलते हैं कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट सिस्टम ऑफ फोर्सेस। तो दोस्तों जैसा कि फिगर में आप देख सकते हैं, ये सारा का सारा दोस्तों जो फोर्स है वो सेम प्लेन पर तो है, लेकिन ये सारा का सारा फोर्स दोस्तों किसी बिंदु पर नहीं मिल रहा है या किसी पॉइंट पर नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों इसी को हम लोग बोलते हैं कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट सिस्टम ऑफ फोर्सेस। अब दोस्तों बात रहा नॉन कोप्लेनर एंड कॉन्करेंट सिस्टम ऑफ फोर्सेस। तो द फोर्सेस विच मीट एट वन पॉइंट बट देयर लाइन ऑफ एक्शन डज नॉट लाइज ऑन द सेम प्लेन आर नॉन एज नॉन कोप्लेनर एंड कॉन्करेंट सिस्टम ऑफ फोर्सेस। कहने का मतलब यह दोस्तों कि वह फोर्स जो किसी एक बिंदु पर मिले और उसका लाइन ऑफ एक्शन है वो सेम प्लेन पर नहीं हो। यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है जो इसका लाइन ऑफ एक्शन, ये लाइन ऑफ एक्शन डज नॉट लाइज ऑन द सेम प्लेन, मतलब उसका लाइन ऑफ एक्शन सेम प्लेन पर नहीं होना चाहिए। तो जैसा कि आप लोग दोस्तों फिगर में देख सकते हैं कि F1 है, F2 है, F3 है, F4 है, F5 है, F6 है, ये सारा का सारा दोस्तों एक पॉइंट पर तो मिल रहा है लेकिन ये सारा का सारा सेम प्लेन पर नहीं है। ये एक पॉइंट में तो सारा का सारा मिल रहा है लेकिन ये सेम प्लेन पर दोस्तों नहीं है। मीट एट सेम पॉइंट बट नॉट सेम प्लेन। तो बेसिकली इसे हम नॉन कोप्लेनर एंड कॉन्करेंट सिस्टम ऑफ फोर्सेस कहते हैं। अब बात रहा दोस्तों नॉन कोप्लेनर एंड नॉन कॉन्करेंट सिस्टम ऑफ फोर्सेस क्या है। तो द फोर्सेस विच डू नॉट मीट एट वन पॉइंट एंड आल्सो देयर लाइन ऑफ एक्शन डू नॉट लाइज ऑन सेम प्लेन आर नॉन एज नॉन कोप्लेनर एंड नॉन कॉन्करेंट सिस्टम ऑफ फोर्सेस। कहने का मतलब यह दोस्तों कि वह फोर्स जो किसी एक बिंदु पर न मिले और उसका लाइन ऑफ एक्शन किसी एक समान प्लेन पर न हो, मैंने कि कहने का मतलब यह दोस्तों कि वो सारे फोर्स जो किसी एक बिंदु पर न मिले और उनका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो भी सेम प्लेन पर न हो, तो उसी को दोस्तों हम लोग कहते हैं नॉन कोप्लेनर एंड नॉन कॉन्करेंट सिस्टम ऑफ फोर्सेस। जैसा कि फिगर में आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ये तो ना ही एक बिंदु पर मिल रहा है और ये तो ना ही सेम प्लेन पर भी है। तो बेसिकली आपको ये समझ में आ गया होगा आठ सातों के सातों टाइप्स। अब हम लोग दोस्तों कंपोजिशन ऑफ फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ नंबर ऑफ फोर्सेस इज नोन एज कंपोजिशन ऑफ फोर्स। कहने का मतलब यह दोस्तों कि किसी भी फोर्स में रिजल्टेंट फाइंड करने के प्रक्रिया को ही हम लोग कंपोजिशन ऑफ फोर्स कहते हैं। अब बात रहा दोस्तों रिजल्टेंट फोर्स किसे कहते हैं, ये वाला टॉपिक रिजल्टेंट फोर्स। तो द सिंगल फोर्स डैट वुड प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट एज टू और मोर देन टू फोर्सेस डैट आर अप्लाइड टू द ऑब्जेक्ट इज नॉन एज रिजल्टेंट फोर्स। कहने का यह मतलब दोस्तों कि वह सिंगल फोर्स जो किसी वस्तु पर दो या दो से अधिक बलों के समान प्रभाव उत्पन्न करे, परिणाम स्वरूप रिजल्टेंट फोर्स के नाम से जाना जाता है।
बेसिकली इसमें दोस्तों कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए दो आदमी है और यहाँ पर दोस्तों एक आदमी है, इन दोनों आदमी मिलकर जो काम कर सकता है वो ये आदमी अकेला ही कर सकता है। तो बेसिकली इसमें भी वह कहने का मतलब वही है दोस्तों कि एक सिंगल फोर्स वो इफेक्ट उत्पन्न कर सकता है जो कि दो दो फोर्स मिलकर करे, तो इसी को दोस्तों हम लोग रिजल्टेंट फोर्स कहते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये रिजल्टेंट फोर्स भी टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में यहीं तक। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो में पढ़ाया गया सारा टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो सीरीज आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और देखते रहे इस वीडियो सीरीज को। धन्यवाद।